हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये क्लास ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, क्लास ट्वेल्थ चैप्टर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में आ जाते हैं, और वो भी अच्छे नंबरों में आते हैं, 5 या 8 नंबर में आते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, और इसका जो डिटेल है वो डिटेल हम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के लिए। तो ये क्वेश्चन परफॉर्म करने के लिए हम इसमें कुछ जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे। ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर में हम प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसके करने का क्या मकसद है अभी हम आगे आपको पता चल जाएगा। ये करने से, माइनस और प्लस करने से, देखिए यहाँ पर जीरो बन गया, और जीरो बन गया तो जीरो हम किसी संख्या में जोड़े या घटाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम लिख दिए x^4। अब इनको दो खंडों में बांट लेंगे, जैसे यहाँ लिखा है x+y/7, तो हम क्या लिख सकते हैं x/7 + y/7, बस वही चीज हम कर सकते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए भाई नीचे ये चीज सेम है, एलसीएम लेंगे सेम ही आएगा, काट देंगे (1) आएगा x(1) + y(1, नीचे क्या आएगा 7, नीचे एलसीएम तो x+y आ गया (7), बस वही चीज हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हमको ये देखना किसको किसको पकड़ना है, तो हम ये और ये साथ में लेंगे x²+1 - x²/(x^6+1), dx लगा दिया, ये इंटीग्रेशन अलग हो गए, प्लस यहाँ पर हो गया x²/(x^6+1). तो अब देखिए हमने प्रोसीड करके इसको यहां तक पहुंचा दिया। अब यहां तक क्यों मैंने किया, इसका एक कारण है, हमें मालूम है a³ - b³, इसका सूत्र क्या होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा a² + b² - ab, बस वही सूत्र यहाँ लगाएंगे। अब मैंने इसलिए ये सोचा क्योंकि यहाँ पर एक माइनस ए बी आ रहा, और यहाँ पर भी माइनस है, (6) है, और यहाँ अगर हम क्यूब वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो वो बन सकता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x²²³, a^m(n) वाला, क्लास एट में आप लोगों ने पढ़ा था, इसका क्या होता है (m×n), तो वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को तो हम जितनी बार पावर कर दे कोई बात नहीं, तो इसको इस तरह लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं x²+1 - x², इसको हम मान सकते हैं (i1). इसको हम थोड़ी देर पे अभी सॉल्व करेंगे कैसे करना, पहले हम इसे करते हैं। इसको मैंने ये सूत्र लगा दिया, सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा x²+1 (a²)2। तो देखिए ए पूरा यहाँ है, (2) करेंगे a×(2×2)4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 1² करेंगे 1 आ जाएगा, दोनों गुणा करेंगे आएगा x, और माइनस सूत्र के हिसाब से तो यहाँ माइनस मैंने लगा दिया +(i1)। अब देखिए ये और ये यहाँ पे गुणा लगा है, तो ये ऐसे कट सकता है पूरा, तो यहाँ पर आ गया 1/(x²+1)dx, मैं यहाँ भूल रहा हूँ। अब देखिए ये इंटीग्रेशन 1/(x²+1)dx, तो इसका एक सूत्र ही होता है, वो सूत्र हम डायरेक्ट लिख देते हैं tan−1 x + c, तो इसमें मैंने लिख दिया, इस तरफ मैंने लिख दिया यहाँ पर, tan−1 x, ये लगा देंगे मॉड से हमें प्लस की वैल्यू मिलती है। अब ये सब चीजें बाद में बताने वाली है, मॉड नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट हम सी मान लेते हैं, प्लस यहाँ i1 भी आएगा। अब i1 को हम क्या लिख सकते हैं, i1 = x²(x^6+1)dx, इसको भी हम थोड़ा
अगर दिमाग लगाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ एक्स पावर थ्री होल स्क्वायर प्लस वन। अब हम इसको टी पुट कर सकते हैं, एक्स पावर क्यूब इक्वल टू टी, अवकलन कर दीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई थ्री आ गया। तो आई वन इक्वल टू मैं कह सकता हूं कि ये देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स ये आपस में बराबर है, तो हम इसकी जगह डी टी बटे थ्री लिख सकते हैं, डी टी बाई थ्री। अब एक्स पावर सिक्स को मैंने इस तरह लिखा और एक्स क्यूब को मैंने टी मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तो लगाएंगे, टी स्क्वायर प्लस वन लिखा है, प्लस वन लिख दीजिए, ये पूरा आप कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया। अब देखिए सेम टू सेम सूत्र लग रहा है, तो यहां भी हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स टी, वहां पर टी नहीं, वहां पर एक्स था, यहां पर टी, तो टी लिख दिया। अब पूरा आंसर हमें एक्स के रूप में चाहिए, तो टी की वैल्यू हम यहां से उठा के रख सकते हैं, एक्स की टी की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब आ गया। अब यहां पर लिख सकते हैं सी वन, वो सी है ये सी वन। अब फाइनल आंसर आई इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू टेन इनवर्स प्लस सी प्लस आई वन, आई वन क्या निकला, वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स की पावर थ्री प्लस सी वन। अब देखिए सी प्लस सी वन ये कांस्टेंट है, एक हो सकता है, दस हो सकता है, हजार करोड़ कुछ भी हो सकता, तो हम सी सी वन कुछ भी करें हम सिर्फ एक ही कांस्टेंट लिखेंगे, सी लिखेंगे या सी वन ही लिख दें, तो सी लिखना ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि सी ही न उसमें वन है न टू है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लिख देंगे टेन इनवर्स प्लस, हो सकता है सी वन जीरो हो तो सी हो जाएगा, अगर ये मान लीजिए पांच है या आठ है तो कुछ भी नंबर आ सकता है, हम कोई सियोरिटी नहीं कर सकते कि यही आएगा प्लस सी। इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं, देखिए कितनी आसानी से मैंने बताया, और इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब कोई कहेगा सर यहाँ पर आई वन नहीं मानते, इसलिए मैंने माना क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया टी, इसलिए मैंने आई वन इसको अलग से सॉल्व किया। अगर आप यहाँ पर बता देंगे कि ये टी लाइन वाइन कुछ करके तब भी सही होगा, अगर इस तरह आप करेंगे तो टीचर को तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि आप वहां नहीं जाएंगे, कॉपी आपकी जाएगी, अगर कॉपी आपकी कह रही है अच्छा है तो अच्छा है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, नया नया अभी चैनल मैंने खोला है, थोड़ा सहयोग करिए, धन्यवाद।